भाई रात को हमारा 5000 का चलान किया है भरतपुर आईटीओ ने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं सिकंदरा राव में और हम जा रहे थे एटा। तो भाई हमारे को यहाँ पे ना गाड़ी धुलने का सर्विस सेंटर दिखा, तो हमने सोचा गाड़ी ज़्यादा गंदी हो रही तो सर्विस करा लेते हैं। तो भाई एक बार दिखा देता हूँ, कंडीशन देख लो भाई कितनी गंदी हो रही है। तो भाई अभी इसकी सर्विस करा रहे हैं हम यहाँ पे सिकंदरा राव में, ठीक है। देख लो गाड़ी की कंडीशन, भाई कर रहे हैं सर्विस, देख रहे हैं भाई अभी धुलने के बाद पता लगेगा। फिर देख लो कंडीशन कितनी गंदी हो रही है, मिट्टी चिपक रही है महाराष्ट्र की। अभी धुलने के बाद दिखाऊंगा फिर भाई। गाड़ी धुल चुकी है अपनी, ठीक है भाई, एकदम मस्त हो गई है धुल करके, साफ सुथरी। दोस्तों अब हम आ गए एटा मंडी के अंदर, देख सकते हैं सामने मूंगफली का ढेर लगा हुआ है और हमें भी मूंगफली लोड करनी है। आप वीडियो में आगे बने रहे, दिखाएंगे आपको मूंगफली कैसे लोड होती है, क्या होता है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारी गाड़ी लोडिंग होना चालू हो चुकी है। और भाई आज सैटरडे है, कल संडे को शायद रोड बंद हो सकती है कांवड़ वालों की वजह से। तो भाई हर बार हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो भाई लोडिंग होने के बाद दिखाऊँ कितना हाइट आएगा, मूंगफली लोड हो रही है देख लीजिए। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 2 और हमने सत्यापन कर लिए, पेपर भी मिल गए, अब निकल रहे हैं हम। और हाइट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो भाई हाइट बहुत भयंकर हाइट है। ठीक है भाई मिलते हैं फिर, आगरा निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कांवड़ वाले रोकते हैं नहीं रोकते पुलिस वाले। तो दोस्तों जिस बात का डर था हमारे साथ वही हुआ, पुलिस वालों हमें जाने नहीं दिया और एक होटल पर खड़े हुए। यहाँ पर टायर का काम करा लेते हैं क्योंकि टायर भी इधर उधर कराना ज़रूरी है। तो चाचा के पास रुके हुए हैं, इंजन काम नहीं कर रहा तो चाचा हाथ से ही खोल रहे हैं, देखो ये मशीन है नहीं खोलने वाली, ठीक है। तो भाई टायर की साइड पल्टी करा लेते हैं, साइड पल्टी करा के फिर ग्रिस व्रिस करा के यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अपना रोड खुल चुका है और हम निकल चुके हैं एटा से, एटा पार कर लिया है और अभी 3 बजे रोड उन्होंने खोल दिया। और ये आखिरी मंडे था भाई, इस बार से आगे से परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई पहुँचते हैं आगरा पहले। तो भाई अभी बज रहा है शाम के कितने बज रहे, 7, अभी 7 बज रहे हैं भाई, अब निकल रहे हैं गुजरात के लिए। अपने भाई आ चुके हैं आगे भाई अपने गांव से, भाई क्या करें यार कोई मिलता ही नहीं है, बुला लिया यार, ठीक है। तो दोस्तों आज है सफर का दूसरा दिन और हम पहुंच गए हैं भाई दौसा। दौसा से पहले आपने देखा जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, और इस हाईवे पे मैं पहली बार जा रहा हूँ, देख रहे हो बड़ोतरा लिखा हुआ है। तो हम गुजरात का भाई पहली बार ट्रिप कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और अभी तक तो बहुत बेकार ही आया है, देखो ये है भाई दिल्ली मुंबई हाईवे का कट, यहाँ से अपनी गाड़ी चढ़ेगी, ये आ गया भाई टोल टैक्स। तो भाई पहले कटाएंगे टोल टैक्स फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो भाई टोल पर पहुँच गए, तो हो गया भाई अपना टोल। भाई मैं आप बोल रहे हो कि गुजरात का ट्रिप कैसे बेकार है, तो भाई रात को हमारा 5000। तो दोस्तों आज है सफर का दूसरा दिन और हम पहुंच चुके हैं गुजरात बॉर्डर पर। गुजरात बॉर्डर पर देखिए बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पुलिस वाले जरूर बैठे लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं लेता है एमपी की तरह। तो चलते फिर आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ गुजरात में घुसते ही हमको मिल गए किन्नर लोग, तो हमारे आगे भाई गाड़ी चला रहे हैं और किन्नर लोगों को हम पैसे देते निकल जाएंगे क्योंकि भाई इनका भी कोई नहीं होता, हम लोगों का ही सहारा है। तो फिर चलते भाई आगे, देखो कार वालों को रोक रखा है, जबरदस्ती ले लेते हैं कार वालों से भी। गुजरात के अंदर भाई देख रहे हो सबसे ज़्यादा दुकानें हैं ये स्वीट कॉर्न इसको बोलते हैं, तो ये एक स्वीट कॉर्न भाई भी खा रहे हैं 30 रुपये का एक दिया है और अमरूद भी बेच रहे हैं साथ में, देखो भाई 30 रुपये का एक स्वीट कॉर्न देख रहे हो। तो दोस्तों अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं अहमदाबाद का बाईपास है ये और हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ से हमारी राजकोट की दूरी 200 किलोमीटर बची है, वहां तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों हमको रात हो जाएगी। तो दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं देख सकते हैं और यहाँ से हमारी फैक्ट्री जाम है, खाली करनी है, 2 किलोमीटर बची है और ये कितना सकरा रोड है देख सकते हैं, इन रोडों पे चलना पड़ रहा है हमको। तो दोस्तों रोड सकरा तो है, सकरे के बाद में देख सकते हैं टूटा रोड आ चुका है और सुबह खाली करेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमने अंदर गाड़ी लगा दी है देख लो, और प्लांट के अंदर अंदर मशीन ज़्यादा चल रही है तो आवाज़ नहीं आ रही है, सत्यापन भी खोल दिए है और अंदर की जो मशीन है वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है मूंगफली छोलने वाली मशीन जिससे मूंगफली छोली जाती है, देख सकते हैं ये मूंगफली छोल छोल के बाहर निकाल रही है और इसके बाद इसका निकलता है तेल, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए तेल निकलने के बाद जो खल बचती है ना जो पशुओं को खिलाते हैं वो इस कट्टों में भरी हुई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी खाली होने के लिए लग चुकी है, देख सकते हैं किस तरह गाड़ी खाली हो रही है, यहाँ से ये कट्टे इसकी बेल्ट के ऊपर डाल देते हैं
और वो बेल्ट उसको ऊपर ले जाके डाल देती है, उधर लेबल लगी हुई है। तो दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है अपनी, ठीक है, और अभी मैं नहा धोकर भी आ गया हूँ, देख सकते हैं गाड़ी खाली हो गई है। और ये पीछे फेयर फैक्ट्री है। तो भाई हम लोडिंग पे जा रहे हैं भाई, और आइए आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बता दें, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आगे वीडियो में कोई कमी रह गई है तो वो करने के लिए, और नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। अब जा रहे हैं हम लोडिंग पे।